नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं यूनिक होम डिजाइन। आज मैं आप लोगों के लिए एक और शानदार घर का नक्शा लेकर आया हूं और यह उम्मीद करता हूं यह होम प्लान आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान पर जरूर क्लिक करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, अब मैं आज के प्लान के बारे में आप लोगों को डिटेल्स में समझा देता हूं। यदि आप लोगों को प्लान के बारे में कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट्स जरूर करें। यह होम प्लान आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आज का जो प्लान है उसका साइज है 25x40 फीट और यह पश्चिम मुखी होम प्लान है और इसको एज पर वास्तु बनाया गया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यह प्लॉट जो है वह तीनों तरफ से पैक है और सिर्फ फ्रंट से ही ओपन है, इसलिए आपको 100% वास्तु मिलना मुश्किल है। फिर भी मेरी यह कोशिश रहती है कि जितना भी हो सके एज पर वास्तु बनाया जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए इस प्लान को मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसका जो चौड़ाई है वह है 25 फीट और लंबाई है 40 फीट। यहाँ जो है फ्रंट में गेट आएगा, यहाँ पर स्टील गेट आएगा और आएंगे हम पार्किंग में। पार्किंग का साइज है 10x13 फीट का और यहाँ पर देखिए साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम बनाया गया है। तो जो मास्टर बेडरूम का लोकेशन होता है वह होता है साउथ वेस्ट का कॉर्नर, इसलिए यहाँ पर साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम बनाया गया है और इसमें देखिए बेड का भी लेआउट किया गया है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हम आएंगे लिविंग रूम में। तो जो लिविंग रूम का साइज है वह है 10x13x9 इंच, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 फीट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक है 13x9 इंच। और लिविंग रूम से ही देखिए स्टेयरकेस डिजाइन किया गया है। तो यह एक जो फ्लाइट है, एक सीढ़ी है, वह 3 फीट का है और यह 1 फीट इसका स्टेप जो है 1 फीट चौड़ा है। इस घर में एक ही टॉयलेट दिया गया है, इसलिए टॉयलेट का साइज बड़ा है, 10x4 फीट का है। और इसमें देखिए WC सीट का लेआउट किया गया है। इस साइड में आप हैंड वॉश बेसिन लगा सकते हैं। इसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर OTS दिया गया है। ये जो सीढ़ी आप देख रहे हैं इसको एज पर वास्तु डिजाइन किया गया है। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि जो स्टेयरकेस होता है वह हमेशा दाहिने हाथ की तरफ टर्न होना चाहिए। और यह जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको डोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आर्च ओपनिंग या आप नॉर्मल ओपनिंग कर सकते हैं। और यहाँ से हम आएंगे हॉल में। तो यह डाइनिंग एरिया है, इसका साइज है 13x9 फीट का और इसमें देखिए फर्नीचर का भी लेआउट किया गया है। एक बात और फ्रेंड्स, इस समय आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट ज़रूर करें। यहाँ पर देखिए साउथ ईस्ट में किचन बनाया गया है, किचन का साइज है 10x7 फीट और ये देखिए किचन प्लेटफॉर्म है और यह गैस चूल्हे का लेआउट किया गया है। फ्रेंड्स, वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि जब हम भोजन बनाते हैं तो अपना फेस पूर्व दिशा में हो, इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान में रखें और उसी के अनुसार किचन प्लेटफॉर्म का निर्माण करवाएँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए एक और OTS दिया गया है किचन और इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए और यहाँ पर आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए एक और बेडरूम बनाया गया है 10x11 फीट का और इसमें देखिए कितना खूबसूरत बेड का लेआउट किया गया है। तो एक लाइक तो बनता ही है, तो आप लोग एक लाइक जरूर करें। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों का कुछ कमेंट है तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। यह प्लान आपको कैसा लगा कमेंट्स करना ना भूलें। दोस्तों, एक लाइक ज़रूर करें। इस प्लान को देखने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।